राज पाटिल जी, सिद्धरमैया जी, मुकुल वासनिक जी, के राजू जी, मंच पर सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, मुझे गर्व है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के समापन समारोह पर मैं आपके बीच इस ऐतिहासिक शहर नागपुर में आई हूँ। भारत के इस महान सपूत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, फिर भी जो बहुत कुछ कहा गया, जो बहुत कुछ लिखा गया, वह इस महान समाज सुधारक के अनोखे व्यक्तित्व के साथ पूरा न्याय नहीं करता। इन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम क्रूरतापूर्ण भेदभाव के बावजूद इतनी उपलब्धियां हासिल करने में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर सचमुच एक प्रेरणा स्रोत है। जिस समर्पण और संकल्प के साथ उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी, इसके जरिए डॉक्टर अंबेडकर हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपनी जिस बौद्धिक प्रतिभा, बेजोड़ शैक्षणिक योग्यता और निर्भयता से करोड़ों देशवासियों के दिल में जो गर्व और आत्मसम्मान की भावना जगाए, इसके जरिए डॉक्टर अंबेडकर हमें प्रेरणा देते हैं। आप तो सब डॉक्टर अंबेडकर पर ज्योतिबा फूले के गहरे प्रभाव को जानते हैं, और कैसा संयोग है कि आज ही के दिन 189 साल पहले ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। वे अपनी पत्नी सावित्री फूले के साथ सत्य शोधक समाज के माध्यम से भेदभाव से पीड़ित और वंचित लोगों के अधिकारों के प्रति जीवन भर समर्पित थे। भाइयों और बहनों, डॉक्टर अंबेडकर के बिना हमारी संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज नहीं हो सकता था जैसा कि आज है। अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेते हुए उन्होंने हमारे संविधान में हमारे देश के करोड़ों पुरुषों, करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को प्रतिस्थापित किया। उनकी अद्भुत प्रतिभा और काबिलियत को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। खुद डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात से हैरत में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके अन्य साथियों को इस निर्णय में कोई संदेह नहीं था। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बारे में जो कुछ कहा, मैं उसे ही दोहराना चाहती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही नतीजा है कि प्ररूप समिति संविधान के प्ररूप को सदन में रखा सकी, इसीलिए संविधान के प्ररूप को आसानी से सदन तक लाने में सभी श्रेय कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। भाइयों और बहनों, हालांकि
हम भारत के इस महान सपूत और उनकी उपलब्धियों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन हम ये एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते कि जिन ताकतों ने कल तक उनका घोर विरोध किया, आज वे उन्हीं का नाम हड़पना चाहते हैं। जिन विचारधाराओं और संगठनों ने हमारी आजादी की लड़ाई में कभी भाग नहीं लिया, हमारे संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, वे आप अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े सार्थक होने का पखंड कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि इन विचारधाराओं और संगठनों ने, संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं की बार बार अवहेलना की। उदाहरण के तौर पर अभी हाल में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें गिराए गई। इसी तरह हमारी दूसरी सरकारों को भी गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि ये बार बार संघीय ढांचा की बात कैसे करते हैं? ये वही ताकते हैं, वही लोग, वही भाजपा के लोग जिन्होंने तब घोर संवेदनहीनता दिखाई जब छात्रों ने उसी उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे दी, जिस उत्पीड़न के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर लड़ते रहे। डॉक्टर अंबेडकर पूरे मन से लोकतंत्र के प्रति समर्पित थे, जिसमें चुनाव लड़ना सर्वप्रथम अधिकार। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की 80% मेरी प्यारी बहनों को शिक्षा के नाम पर पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया है। ये उनके साथ, मैं समझती हूँ कि उनके साथ, हमारी प्यारी बहनों के साथ घोर भेदभाव और घोर नाइंसाफी है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर अंबेडकर के प्रशासक होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति विशेष योजना, आदिवासी उप योजना, स्कूल में दोपहर का भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन जैसी मुख्य योजनाओं के बजट में भारी कटौती की। अगर ये पखंड नहीं है तो और क्या है? यही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के आरक्षण के पूरे मामले में आरएसएस और भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। एक दिन आप उनसे सुनते हैं कि आरक्षण जरूर खत्म होना चाहिए, और दूसरे दिन आप उनमें से किसी और से सुनते हैं कि नहीं नहीं, आरक्षण जारी रहेगी। लेकिन हमें इस जानबूझकर कुटिल खेल में नहीं पड़ना चाहिए। उनकी मंशा बिल्कुल साफ है, आरक्षण निश्चित तौर से खतरे में है। डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे बीच होते तो ऐसी पार्टियों और व्यक्तियों के प्रति उनकी निसंदेह नफरत होती है,
जो उनकी विरासत को हड़पना चाहते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं कि वे या माने डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले एक जिज्ञासु व्यक्ति थे जो किसी भी रूढ़िवादी विचार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और न ही किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी विचारधारा का आंख मूंद कर समर्थन करने को तैयार थे। डॉक्टर अंबेडकर कारण जानने, सवाल पूछने, आलोचना करने और जानकारी हासिल करने की भावना से उत्साहित थे। इसी भावना को प्रधानमंत्री मोदी और उनके लोग कुचल रहे हैं। ये वही ताकते हैं जो उजाले के विरुद्ध अंधेरे का माहौल बना रही है। ऐसा माहौल जो हमारे देश की गंगा जामुनी परंपरा को नष्ट करना चाहती है, सेक्युलरिज्म को खत्म करना चाहती है। हमारी बहुरंगी संस्कृति, बहुलतावादी रहन सहन और अमन चैन का जो माहौल है उसे बिगाड़ने में लगी है, समाज को बांटने में लगी है, लोकतंत्र को कुचलने में लगी है। यह सब आपके इसी नागपुर की एक संस्था के इशारे पर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं? चुप्पी साध कर बैठे हैं। लेकिन हम ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे, यह सब को नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, ये समारोह डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी के साल भर चले उत्साह का समापन जरूर है, लेकिन इनके मूल्यों और इनके आदर्शों को बचाए रखने का अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस ने पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से पूरे मन से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटीज, महिलाएं के कल्याण के लक्ष्य को कायम रखा है, जैसे कि किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह हमारी वैधानिक जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि ये हमारी नैतिक कर्तव्य। तो अंत में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पिछड़े वंचित तबके और महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी की आवाज किसी कीमत पर कभी नहीं दबेगी। अंत में आप सभी को इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।